नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ कोई स्टूडेंट है जो इलाहाबाद से जुड़ा है, बिहार से, यूपी से, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दा क्लियर है, जैसा कि लॉकडाउन हुआ मार्च से अभी तक ये लोग इलाहाबाद में रहते थे, इनके क्या मजबूरी है, क्या समस्याएं हैं, मैं आपको इससे सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ। जैसा कि आप जान सकते हैं, कोरोना की जो मार पड़ी है सभी के ऊपर पड़ी है, उसके बीच कई स्टूडेंट भी छूते नहीं रहे, इनके ऊपर भी मार पड़ी है, इन लोग के ऊपर भी किराया जो है एक बर्डन समस्या बन के आ गई है। ये किराया कैसे देंगे? इनका कहना है कि जब हम इलाहाबाद में रहते नहीं है तो हम अगर ना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ना बिजली यूज करते हैं, ना पानी का यूज करते हैं, तो आखिर हमारे ऊपर क्यों इतनी प्रेशर? हम कह रहे अपने मकान मालिक से कुछ हमें रियायत दिया जाए। इसी के ऊपर हमारा डिस्कस होने वाला है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, बेरोजगारी, रूम किराया की मार, कैसे बचे स्टूडेंट इस बार की बड़ी समस्या है, प्रशासन की नाकामी, मकान मालिक करे मनमानी, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं, मैं उन लोगों से डिस्कस करूंगा, इस तमाम मुद्दे पर सिलसिलेवार ढंग से बात करूंगा। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा आदित्य सिंह से। आदित्य सिंह, आप इस मुद्दा को कैसे देख रहे हो? नमस्कार, मैं आदित्य सिंह अंडर छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ और हमारा खुद का संगठन हम लोगों ने बनाया है, ऑल इलाहाबाद स्टूडेंट एसोसिएशन। हम आमतौर छात्रों की मदद के लिए बनाए हुए संगठन है। इस माध्यम से हम हर रोज उन गरीब छात्रों की मदद करने को तैयार होते हैं। जैसे कि जो छात्र यहाँ इलाहाबाद में रहते हैं, सबकी लगभग 90% छात्र ऐसे हैं कि जो मजदूर के परिवार से हैं, जिनके पिता किसानी करते हैं, ऐसे भी परिवार से छात्र वहां रहकर पढ़ते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो वहां पर दिहाड़ी करके, मजदूरी करके अपने खर्च को निकालते हैं, कोचिंग संस्थाओं में काम करके निकालते हैं। ऐसी महामारी के समय जब सारी संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, कोई भी पैसे का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा है, तो छात्र किराया कैसे दे पाए? इस मामले को लेकर हम लोगों ने लगातार जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, उनसे बातचीत की और साथ ही साथ मैंने ट्विटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय को मैंने एक लेटर भेजा, लेकिन अभी तक उनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, किसी का भी उत्तर नहीं आया। हम आम छात्र किस तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं वर्तमान समय में, यह हम जानते हैं। हम मध्यम परिवार वर्गीय लोग जानते हैं, गरीब किसान के बच्चे जानते हैं, गरीब किसान के लड़के जानते हैं, और कोई भी जो पैसे वाले लोग होंगे वो नहीं समझते। इस तरह से बातें कह रहे हो कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं मान रही है, आखिर उनकी क्या समस्या है? जब आप लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई गरीब से आ रहा है, किसी के खाने के लिए पैसे नहीं, तो रूम किराया कैसे देगा? ये समस्या है तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है? दरअसल प्रशासन इसलिए नहीं सुनना चाह रही क्योंकि लड़के छात्र जितने भी छात्र हैं वो यहाँ डरते हैं। प्रशासन के द्वारा एक धमकी दी जाती है, यदि तुम इस तरीके का कार्य करोगे तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा कर दिया जाएगा। मुकदमे की डर से छात्र कुछ भी कार्रवाई करने की मांग नहीं करते। जैसा कि मैं आपको अभी दो दिन पहले की घटना बताऊं, इलाहाबाद के कैंट थाना आता है, कैंट थाना के अंतर्गत बेली क्षेत्र है, बेली में एक लड़का रहता था जिसको मकान मालिक ने कब्जे में कर बाहर से ताला बंद कर दिया था और जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की। रात के 12 बजे वो छात्र ट्विटर के माध्यम से जिला प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराता, लेकिन कार्रवाई सुबह 9 बजे होती, कार्रवाई में होती क्या है? उस छात्र के खिलाफ कार्रवाई होती है, छात्र को धमकी दिया जाता है यदि आप किराया नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और कारण यह है क्योंकि छात्र एक गरीब होता है, वो मजबूर होता है कि वो मजबूरी बस रहकर वहां पढ़ाई करता, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां पे जाता है। और प्रशासन लगातार बनी हुई है कि अगर वो छात्र कुछ भी विरोध करते हैं तो उनको मुकदमे देकर जेल में भेजना। जिला प्रशासन नाकाम। आकाश, कुछ ऐसे मकान मालिक होंगे जो गरीब होंगे, उनका क्या, उनका खर्चा बच्चा इसी पर चलता होगा, फिर वो कैसे करेंगे? आपसे समझना चाहूंगा उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। भैया बहुत से मकान मालिक ऐसे भी हैं, मेरी आवाज आ रही भैया? बिल्कुल, आप बोलिए। भैया मेरे ऐसे मकान मालिक बहुत से हैं जो अभी मैं और हंटर भैया साथ में गए थे, वो मकान मालिक तो खुद बोल रहे कि हम 2 महीने किराया नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो समस्या खत्म है, फिर आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? भैया वो बहुत चुनिंदा मतलब मकान मालिक है, 2-3 है ऐसे मकान मालिक जिनके कई के इलाज चलते हैं, वो भी गरीब नहीं है भैया। वहाँ का मकान मालिक कोई गरीब नहीं है, वो सिर्फ लड़कों के पैसों पे ही पलते हैं। ये बात मैं समझना चाहूंगा। आदित्य फिंगर उठा रहे हैं, आदित्य क्या कहना चाह रहे हो आप? जी जी, आपने ये बात कहा कि जो ऐसे मकान मालिक जो किराए पे डिपेंड करते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग?
तो हम लोग ये कर रहे हैं जैसे कि जो किराए पर डिपेंड है, किराया देने से पीछे नहीं जा रहा, छत किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन मकान मालिक जबरदस्ती कर रहे हैं मुझे किराया अभी चाहिए, यदि मेरे रूम में रहते हो मुझे पूरे लॉकडाउन का किराया चाहिए। और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है, यदि इस स्थिति में जब हम सभी लोग इस महामारी को लड़ रहे हैं, इस महामारी को झेल रहे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं वो हर छात्रों की समस्याएं हैं, लेकिन समस्या ये सबसे बड़ी हो रही है, जब हमें कुछ समय दिया जाए हम कुछ समय अनुसार उसको करेंगे, लेकिन मकान मालिकों का कहना है हमें किराया तुरंत दिए, बिना किराए के हम आपको कमरे में जाने नहीं देंगे, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? जिला प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है? सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है? तो अगर मान लीजिए आदित्य जी अगर इस बात को प्रशासन नहीं सुन रही है तो आप लोग अगला प्लान क्या है? हम बाध्य हो रहे हैं, हमें बाध्य किया जा रहा है आंदोलन के लिए, और हम सड़कों पर नहीं निकलना चाह रहे हैं, इस महामारी में हम सड़कों पर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और वास्तव में आप जानते भी होंगे यदि छात्र सड़कों पर निकल गए तो क्या स्थिति होगी। यह समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह समस्या हर जिलों की है, यह समस्या हर छात्र की है। आकाश से समझना चाहूंगा, आकाश ये तो जो पैंडेमिक आया है सभी के लिए आया है ना, ये पार्टिकुलर तो है नहीं, जैसे आपके ऊपर मार पड़ी है उनके ऊपर भी मार पड़ी है, क्या कहना चाहिए? भैया मैं कुछ चीज बोलने वाला हूँ। छात्र जब भी अपने हक के लिए लड़ा है उसको सिर्फ धाराएं और डंडे और जेल भेज के उसकी आवाज बंद कर दी जाती है इलाहाबाद में, सिर्फ इलाहाबाद में कि बाकी आकाश इसके लिए मेरा कहना है हम साथ हैं, हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, हमें डर नहीं है, हम छात्रों की आवाज बंद कर रहेंगे और हम छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे छात्रों के लिए। और भैया रही बात मकान मालिक किराया की, तो भैया मकान मालिक को समय दे सकते, मान लीजिए हम लोग 2 साल से वहां पे रह रहे हैं, 2-3 महीने किराए नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप रूम खाली करिए, हम ताला बंद कर लेंगे, सामान फेंक देंगे। यानी आप कंप्रोमाइज करने की बात करेंगे, कुछ हो अगर कुछ हो रियायत दे दे, कुछ हम कर ले, ऐसा कुछ आप बात करने वाले हैं? हमारा सीधा सीधा मांग है लॉकडाउन की स्थिति के किराए को हम हमारा माफ हो, लॉकडाउन की स्थिति में हम सक्षम नहीं है किराया देने के लिए। कितने महीने के लिए आप सक्षम नहीं है? जब तक लॉकडाउन रहा है 3 महीने तक लॉकडाउन पूरी तरीके से रहा है, हम सभी लोग जितने भी मध्यम परिवार के लोग हैं वो लोग सक्षम नहीं है किराया देने के लिए, घर का खर्चा मजदूरी चलता हो, उनके भी छात्र पढ़ते हैं वहां इलाहाबाद में, जिनके घर जिनके पिताजी दिन भर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद जो पैसा कुछ सेव होता है कुछ पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चंद्रशेखर जी, जो समझना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? हम भी यही कहेंगे, हम इस बात से सहमत हैं, यदि रूम मालिक अगर नहीं माफी करता, रूम रेंट के लिए नहीं माफ करता है, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर प्रशासनिक तौर पे अगर कुछ नहीं अगर किया जा रहा है, ना कोई नोटिस लेटर जारी किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग बाध्य होंगे करने के लिए आंदोलन। पहली बात तो अगर जो डिपेंड है किराए वाले किराए पे जो रूम मालिक, उनके लिए है कि अगर पूरी तरह से माफ नहीं करे तो कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ 50% या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करे कॉम्प्रोमाइज, हम यही चाहते हैं। अमित द्विवेदी से समझना चाहूंगा, अमित द्विवेदी जी आप कैसे इस मुद्दा को आप देख रहे हो? नमस्कार सर, मैं अमित द्विवेदी आजाद, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मैं STG न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे छात्रों की आवाज को उठाने का काम किया है, और हमसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं उसमें आपको जवाब देना चाहता हूँ भैया, कि लगातार जो भी छात्र हैं वो 3 श्रेणी में आते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। तो जो निम्न वर्ग का बच्चा है वो किराया देने में बिल्कुल असमर्थ होता है, क्योंकि वो मजदूरी करके, मैं छात्रों से लगातार मिलता हूँ, उसमें ऐसे छात्र हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उसके बाद रात में जग के पढ़ाई करते हैं और अपने रूम का किराया देते हैं, कॉलेज की फीस देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, दूसरा आपका जो सवाल है उसका जवाब है कि जो मध्यम वर्ग का बच्चा है वो या तो किसान का होता है या तो कोई जॉब सर्विस होती है, तो लगातार जो किसान के बच्चे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लगातार ओला वृद्धि, उसके बाद ये जो टिड्डी गैंग लगातार आतंक आ रहा है, और किसानों का जो अनाज है वो घर में पड़ा सड़ रहा है, तो किसान का किराया या अपने किराए को कैसे पे करेगा? वो लगातार हताश और परेशान है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अपनी रूम के किराए को नहीं दे पा रहा है, उसको खाने के लाले पड़े हैं, वो अपने परिवार का पेट नहीं चला पा रहा है, तो रूम का किराया कहाँ से देगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आप लोगों के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि इन लोगों को राजनीति करना है। आदित्य जी मैं क्या इस
मुद्दा को कैसे लेते हो कि स्टूडेंट देना चाहता है लेकिन इसको बिल्कुल सही ये आपने आपने जो चीज कहा मैं इसे बताने से पहले मैं अभी अमित जी से जो आपने प्रश्न किया था अमित जी के सवालों से बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक छात्र लगभग मेरे पास हर रोज छात्र फोन करते हैं मेरे पास एक छात्र ने फोन किया था और बताया भैया सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये है मैं परिवार का खर्चा खुद मजदूरी करके चलाता हूँ जिससे मैं खुद इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करता हूँ और जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा देखता हूँ मैं खुद का खर्चा नहीं बन करता हूँ ऐसे छात्रों के लिए क्या कर रही है सरकार। और दूसरा प्रश्न आपका रहा जो कि अभी आपने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाना लोग कह रहे हैं राजनीति करना तो मेरा उसका यह जवाब है और उनको यह जवाब है मैं इलाहाबाद रहता हूँ मैं इलाहाबाद रह के पढ़ाई करता हूँ मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ने मुझे इलाहाबाद से क्या कोई चुनाव लड़ने हैं मैं चुनाव लड़ चुका हूँ मुझे चुनाव नहीं लड़ने हैं जब मैं चुनाव लड़ता हो जाता है पब्लिसिटी यानी पब्लिसिटी लेकर पॉपुलर हो जाना आगे चलकर ये सारे चीजों को करना ये चीजें निकल कर सामने आती है जी बिल्कुल लेकिन लेकिन जो समस्या है मैं उनके लिए कहता हूँ जो कहते हैं इस चीज को मैं उनसे कहना चाहता हूँ यदि ये मैं राजनीति कर रहा हूँ तो आप भी आइए आपका स्वागत है यदि मेरे राजनीति करने से कुछ छात्रों की मदद हो जा रही है तो आप इसे राजनीति भी समझिए और किसी भी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उन सबको रिहाई देते हुए ये सरकार जितने दिन तक लॉकडाउन रहा है हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि आप हमारा पूरा साल भर का माफ कर दीजिए जितने दिन तक 3 महीने के यानी साफ साफ आपने किराया जी, कर दिया यानी कि जो किराया है 3 महीने की माफ किया जाए। अब कुछ ऐसे भी मकान मालिक हैं जिनके पास सक्षम नहीं है तो बैठकर स्टूडेंट के साथ बात कर लें और कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें लेकिन सबसे बड़ा उस बीच का रास्ता माननीय जी भी इसमें संज्ञान ले और लोगों को कुछ रियायत दिलाए इसलिए कि कुछ मजदूर हैं जिनके खाने के लिए नहीं है वैसे लोग कहां जाएंगे। आप लोगों का मेन मकसद तो यही है ना अमित जी? जी बिल्कुल हम लोगों का मेन मकसद यही है और जो बीच का रास्ता आपने कहा है भैया उसको भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। जैसे जो लोग बहुत ही गरीब तबके के हैं जिनका खर्च केवल मकान के ही खर्चे से किराए पे मकान देने के ही खर्चे से चलता है उनके बच्चों की फीस किराए का मकान उठाने पर ही चलता है उनके लिए भी हम लोगों ने उनसे जाके जब बात की तो उनसे ये कहा गया कि आप अपना जो भी किराया होता है उसका 50% आप उस छात्र से ले सकते हैं जो उच्च निम्न का छात्र है उच्च वर्ग का छात्र है जो आपके यहाँ ले रहा है जो किराया देने मतलब समर्थ है जो दे सकता है वो दे दे ये भी बातें कहा गई तो उसमें छात्रों ने दिया। आप क्या कहना चाहते हो इंटरव्यू का एंडिंग भैया जिला प्रशासन आपसे समझना चाहूंगा भैया जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द एक नोटिस जारी करें जिसमें लॉकडाउन 3 महीने का छात्रों किराया माफ किया जाए। बिल्कुल हम भी यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार इसमें संज्ञान ले जो स्टूडेंट जो मजबूर है ठीक है क्योंकि वो स्टूडेंट है उस पर किताब का बोझ अच्छा लगता है लोन का बोझ या फिर पैसे का बोझ अच्छा नहीं लगता बेरोजगारी रूम किराया की मार स्टूडेंट कैसे भरेगा इस बार ये बड़ी समस्या है प्रशासन की नाकामी मकान मालिक बहुत लोग कर रहे हैं मनमानी इसको रोका जाए जैसा कि जान सकते हैं सभी लोग। आकाश जी आपका STG न्यूज चैनल पर आप लोगों ने टाइम दिया आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच।